सुप्रभात छात्रों, पिछले दिनों हमने बड़े भाई साहब का पहला और दूसरा भाग पढ़ा था। आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। तीसरे भाग में जितना दूर तक मैं पढ़ाऊंगी उनका शब्दार्थ मैंने लिख दिया है। जैसे सफाचट बिल्कुल साफ, सिफर का अर्थ है शून्य, कोड़ियों यानी 20, दोयम का अर्थ है दो या द्वितीय, स्वयं तीसरा या तृतीय, चहरों चौथा, पंचम पांचवा, परवाह चिंता, हिमाकत मूर्खता, तमीज अक्ल, गिरह गांठ, प्रणाम तक अंतिम समय तक, मुद्रा का अर्थ है चेहरे का हाव भाव, आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्टों का अनुभव होना, कांति चमक, फजीहत का अर्थ है दुर्दशा। तो इसमें से मैंने पिछले दिनों भी कहा था कई शब्द उर्दू फारसी के शब्द हैं और इनका अर्थ हिंदी में जानना अनिवार्य है। जो मैंने बोर्ड पर लिखा है छात्रों उसको आप लोग अच्छी तरह उतार लीजिएगा अपनी कॉपी पर, अन्यथा बाद में फिर उन शब्दों का अर्थ नहीं लिख पाइएगा और नहीं समझ में आने से, शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आने से पाठ भी नहीं समझ में आएगा। हम पृष्ठ संख्या 28 के अंतिम वाक्यों में थे। इसमें इस परिच्छेद में कहानीकार प्रेमचंद के बड़े भाई साहब प्रेमचंद को भिन्न भिन्न कथनों के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा पढ़ाई की जटिलता को स्पष्ट कर रहे हैं और अपने छोटे भाई को सुझाव दे रहे हैं कि किस तरह अगर ध्यान पूर्वक पढ़ाई ना किया जाए तो भिन्न भिन्न नामों को, इतिहास के भिन्न भिन्न नामों को याद करना अत्यंत कठिन है। विशेषकर बादशाहों के नामों को याद करना और जो जो वायसराय बनकर आए थे भारत में उनके नामों को याद करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हरेक के नाम के आगे लिखा होता जगह आठवां लिखा होता, सब नंबर गायब, सफाचट, सिफर अर्थ है शून्य, यानी कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ था यह याद कर लेना भी कठिन है। कहते अपने भाई से हेनरी सातवां की जगह आठवां लिखा होता और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवां आठवां नवां, इस तरह की संख्या हेनरी वायसराय या राजा या जो भी उन दिनों अंग्रेजों के जमाने में भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आया करते थे उनके नामों को याद करना अत्यंत कठिन था। तो उसी जटिलता को लेखक के बड़े भाई लेखक को समझाना चाहते हैं और उनका नाम याद करते करते दिमाग शून्य हो जाता है, अभी कहते हैं। और हरेक के नाम के आगे द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम इस तरह लगाया गया होता है और इस तरह इतिहास में भिन्न भिन्न नामों को याद करना बहुत कठिन है और कहीं द्वितीय की जगह प्रथम लगा दिया या तृतीय की जगह द्वितीय लगा दिया तो पूरा उत्तर ही गलत हो जाता है। इसी कठिनाई को, इसी समस्या से अपने छोटे भाई को बड़े भाई साहब अवगत कराते हैं। उसके बाद कहते हैं ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, यानी ज्योमेट्री ये गणित से संबंधित है और उसकी जगह पर अ ब ज यदि लिखा हो और उसकी जगह पर यदि कोई छात्र अ ज ब लिख देता है तो सारे नंबर कट जाते, यानी एक अक्षर भी एक लेटर भी इधर उधर हो जाए तो पूरे के पूरे अंक कट जाते हैं। और इस पर बड़े भाई साहब परीक्षकों को दोषी ठहराते हैं क्योंकि उनका कहना है, उनका मानना है, मूर्ताहनों का अर्थ है परीक्षक, उनका कहना है कि आखिर अ ब ज और अ ज बा में क्या अंतर है। जिस तरह दाल भात रोटी या भात दाल रोटी में कोई अंतर नहीं है उसी तरह अ ब ज और अ ज बा में भी कोई अंतर नहीं, लेकिन परीक्षकों को विद्यार्थियों पर दया नहीं आती, वे पूरे के पूरे अंक काट लेते हैं क्योंकि वे उसी उत्तर को सही मानते हैं जो पुस्तकों में या पाठ में लिखा गया हो। उसके बाद वे और एक उदाहरण देते हैं, यदि समय की पाबंदी पर लिखने के लिए कहा जाए तो समय की पाबंदी पर जो प्रश्न दिया जाता है वह संक्षेप में निबंध लिखो दिया जाता और लेखक के बड़े भाई साहब का कहना है कि समय की पाबंदी पर चार पन्नों से कम निबंध हो नहीं सकता और उसे अगर शिक्षक कहें कि आप संक्षेप में लिखो तो यह संभव नहीं है क्योंकि वे स्पष्ट करते हैं कि हरेक विद्यार्थी को और हरेक मनुष्य को
समय की पाबंदी का महत्व जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे मनुष्य के जीवन में संयम आ जाता है, अर्थात वह समय अनुसार कार्य करने की शिक्षा प्राप्त कर लेता है, समय अनुसार अपने कामों को पूर्ण करने की शिक्षा प्राप्त करता है। और इस तरह के विद्यार्थियों को सभी शिक्षक प्यार करते हैं, उसके प्रति आत्मीयता का भाव प्रकट करते हैं। जिस तरह उद्योगपतियों के कारोबार में उन्नति होती है, उसी तरह यदि विद्यार्थी भी समय के पाबंद बन जाते हैं तो वे भी उन्नति करते हैं। और इस विषय पर दो चार पृष्ठों या दो पृष्ठ में लिखना या उसे कहा जाए कि संक्षेप में निबंध लिखना संभव नहीं है, इसके लिए चार पन्नों की आवश्यकता पड़ती है। परंतु मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं, हिमाकत का अर्थ मैंने बोर्ड पर लिख दिया है मूर्खता। और लेखक के बड़े भाई साहब कहते हैं कि या तो उनके विचार के अनुसार मूर्खता है, जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है, जिन समय की पाबंदी को दो तीन वाक्यों में स्पष्ट किया जा सकता है, तो उसको कहा जाता है कि आप चार पन्नों में लिखिए, लेकिन उसे संक्षेप में भी लिखा जा सकता है। परंतु शिक्षकगण चार पन्नों से यदि हम कम लिखते हैं तो उसे स्वीकार नहीं करते। फिर अगले परिच्छेद में लेखक लिखते हैं कि अध्यापकों को तमीज भी नहीं होती, अकल नहीं होती, और हम उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, यानी अध्यापक अपने अध्यापक होने का जो दायित्व है, जो उत्तरदायित्व है, उसे अच्छी तरह नहीं निभाते, सिर्फ वे दावा करते हैं कि वे अध्यापक हैं। और इस तरह कहानीकार प्रेमचंद कहते हैं कि उनके बड़े भाई साहब भले ही पढ़ाई में अव्वल दर्जे के नहीं थे, लेकिन उन्होंने जीवन में कई अनुभव प्राप्त किए थे, इसलिए अपने भाई को भी उन्हीं अनुभवों के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने की, अध्ययन करने की सीख देते हैं। कहते हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और आटे दाल का भाव मालूम होगा, यानी हर तरह के कष्टों का अनुभव होगा। कहते हैं कि इस दर्जे में आप अव्वल आ गए हैं तो आपको अत्यधिक घमंड हो गया है, जमीन पर पांव नहीं रखना, अत्यधिक घमंड करना। इसलिए सुझाव देते हुए कहते हैं कि भले वे लाख फेल हो गए हैं, लेकिन वे उनसे बड़े हैं और संसार का ज्यादा अनुभव उन्हें प्राप्त है। अतः जो कुछ भी लेखक के बड़े भाई उन्हें सुझाव देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेखक से कहते हैं कि वह उसे गांठ बांध ले, अन्यथा आने वाले दिनों में उसे पछताना पड़ेगा। अगले परिच्छेद में कहानीकार लिखते हैं कि स्कूल का समय निकट था, किंतु ईश्वर जाने उनके बड़े भाई साहब की उपदेशमाला, पहले परिच्छेद में भी पिछले पृष्ठों में भी लेखक ने लिखा है कि वे उपदेश देने में पारंगत थे, निपुण थे। भोजन आज लेखक को स्वाधीन सा लग रहा था, क्योंकि उनके बड़े भाई साहब ने कई ऐसे कटु शब्द, कई ऐसे सुझाव दिए थे जिससे कहानीकार का मन खिन्न हो गया या उदास हो गया था। उसके बाद फिर से वार्षिक परीक्षा होती है और इस बार भी कहानीकार यानी प्रेमचंद पास हो गए अव्वल दर्जे में और उनके बड़े भाई फिर फेल हो गए। कहानीकार लिखते हैं कि इस बार उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की थी, उतना परिश्रम नहीं किया था, फिर भी अपने क्लास में, अपनी कक्षा में वे अव्वल दर्जे में पास होते हैं, जिसका उन्हें आश्चर्य होता है। और उनके बड़े भाई प्रणाम तक यानी अत्यधिक कठिन परिश्रम किए थे, अंतिम समय तक, परीक्षा के पहले तक वे कठिन परिश्रम किए थे और एक एक शब्द को उन्होंने याद कर लिया था। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, यानी रात को 10 बजे तक पढ़ते और सुबह 4 बजे उठकर वे 9:30 बजे स्कूल जाने तक पढ़ाई करते रहते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि जैसे ही वे परीक्षा केंद्र पहुंचते, उनके चेहरे का हाव भाव, यानी जो चेहरे में चमक होनी चाहिए थी, वह चमक हीन हो जाती थी। और इस तरह कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी लेखक के बड़े भाई, कहानीकार प्रेमचंद के बड़े भाई इस बार भी फेल हो गए। इस बार लेखक को उन पर दया आती है और जैसे ही नतीजा सुनाया गया, उनके बड़े भाई भी रो पड़े और कहानीकार प्रेमचंद भी अपने बड़े भाई को रोता हुआ देखकर वे भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई,
क्योंकि कहानीकार प्रेमचंद इस बार भी अव्वल दर्जे में पास हुए थे, लेकिन अपने बड़े भाई के फेल होने का दुख उन्हें भी था। किंतु अब उनके मन में यह विचार आया कि अब बड़े भाई साहब और उनके बीच केवल एक दर्जे का अंतर यानी एक ही कक्षा का अंतर रह गया है, और इस तरह उनके मन में कुटिल विचार उत्पन्न होता है, बुरा विचार उत्पन्न होता है कि अब भाई साहब यदि एक साल फेल हो गए तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा, फिर वे किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, यानी किस आधार पर। अब चूंकि मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों यदि हम एक ही कक्षा में पढ़ेंगे तो वे मुझे किस लिए डांटेंगे, फजीहत करते हैं, दुर्दशा यानी क्यों डांटेंगे, क्यों मेरी दुर्दशा करेंगे, यानी मेरी बुरी दशा क्यों करेंगे, मुझे डांट डांट कर मेरे मन को दूषित क्यों करेंगे। और यह भावना उनके मन में आती है, लेकिन कुछ ही देरी के बाद, कुछ ही समय के बाद वे इस विचार को अपने दिल से निकाल देते हैं, और इस तरह आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। तब उन्हें आभास होता है कि बड़े भाई होने के नाते भले ही वे प्रत्येक कक्षा में फेल हो जाते दो बार तीन बार, लेकिन जो कुछ भी वे मुझे डांटते या समझाते वह मेरे भले के लिए है। मुझे इस वक्त अभिप्राय लगता है अवश्य, मगर शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। और इस तरह यहाँ पर हमने देखा कि बड़े भाई या बड़ी बहने या परिवार के बड़े सदस्य यदि हमें सुझाव देते हैं, यदि हमें डांटते हैं, यदि हमें सही रास्ता दिखाते हैं, तो जिस वक्त वे हमें डांटते हैं तब उनकी डांट उनकी फटकार हमें कड़वी लगती है, हम व्यथित हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनके डांटने के पीछे एक मात्र उद्देश्य होता है हमें सही राह दिखाना, अपने से छोटों को सही राह दिखाना, और उस सही रास्ते पर चलकर यदि अपने से छोटे कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें अत्यधिक खुशी होती है। और विशेषकर विद्यार्थियों को यदि माँ बाप या बड़े जन पढ़ाई के मामले में लेकर या परिश्रम करने के मामले में लेकर डांटते हैं फटकारते हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों को दुखी नहीं होना बल्कि प्रसन्न होना है कि आपसे जो बड़े हैं वे आपकी भलाई चाहते हैं, आपका हित चाहते हैं, और इसलिए आपकी भलाई के लिए आपके हित के लिए आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, आपको सजग सचेत करते हैं, आपको सतर्क करते हैं कि आप कठिन परिश्रम करिए और कठिन परिश्रम करने के बाद आपको अच्छी सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए इतना ही, हम अगले दिन पाठ खत्म करेंगे। धन्यवाद।